स्वागत है आप सभी का इजी टैगिंग पंकज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपनी बिटिया का जो खाता है ना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी बैंक में ओपन करा रखा है, बैंक कोई सा भी आपका हो सकता है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस जो खाता आपने खुलाया है उसमें आप रुपए ऑनलाइन किस तरीके से जमा करा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है हमारे पास टाइम नहीं होता है या कहीं हम बिजी रहते हैं, तो आप ऑनलाइन किस तरीके से इसमें रुपए जमा करा सकते हैं। तो पूरी डिटेल से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्या क्या चीजें आपको चाहिए रहती है, पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सब कुछ समझ में आपके आ जाएगा और आप घर बैठे ही इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी देखिए जो बिटिया का आपने खाता खुलवाया है उसमें आप रुपए जमा करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में रुपए जमा कराने के लिए आपको यहां पर सबसे पहले तो चाहिए पासबुक, ठीक है, जो पासबुक आपको बैंक से मिलती है क्योंकि इसमें अकाउंट नंबर रहता है, साथ ही आपके बैंक का आईएफएससी कोड रहता है जो कि आपको देखिए क्या करना है जमा कराने, तो आपको उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। पहली बात तो हो गई, आपको दो चीज पता होनी चाहिए, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। अब हम ऑनलाइन रुपए जमाएंगे, जमा किससे करेंगे, देखिए जमा आज हम कर रहे हैं गूगल पे से, ठीक है। गूगल पे से बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर पैसे क्या कर सकते हैं, जमा करा सकते हैं इस अकाउंट में। तो कैसे आपको ये करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल पे अकाउंट को हम जो गूगल पे का आपका ऐप है ना उसको ओपन आपको कर लेना है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं हम। तो गूगल पे ऐप हमारी यहां पर ओपन हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, देखिए बैंक में क्या करना है, पैसे जमा कराने। तो यहां पर आप क्या करेंगे ना, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा बैंक ट्रांसफर का, ठीक है, ये दिख रहा है आपको बैंक ट्रांसफर, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया था ना कि बैंक अकाउंट नंबर एक तो आपको पता होना चाहिए, साथ ही आईएफएससी कोड पता होना चाहिए जो कि आपकी पासबुक में साफ साफ लिखा रहता है, आसानी से आपको वहां से ये पता चल जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम इसको फिल कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको देखिए यहां पर ये फिल कर लेना, अकाउंट नंबर हमने फिल कर लिया है, साथ ही देखिए आईएफएससी कोड हमने फिल कर लिया है। और जब ये देखिए इस तरह से आ जाएगा, यहाँ रेड कलर कुछ लिखा हुआ नहीं है का मतलब हमारा आईएफएससी कोड बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं बैंकिंग नेम यहां पर आ चुका है, जिसका भी अकाउंट आपने खुलाया होगा अपनी बिटिया का तो यहां पर उनका नाम आ जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि बिल्कुल सही हमारा यहां पर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बिल्कुल सही से यहां पर भरा गया है। अब हमें करना क्या है, यहां पर कंफर्म पे क्लिक आप कर लीजिए, ठीक, कंफर्म में हमने क्लिक कर दिया है। अब आपको जितना अमाउंट यहां पर भरना है, मतलब जितना अमाउंट यहां पर जमा करना है ना आपको, यहां पर टाइप आप कर लीजिए, जैसे कि हमको यहां पर 5000 करना है, तो ये 5000 हमने यहां पर टाइप कर लिया है। उसके बाद देखिए यहां पर आप क्लिक कर लीजिए। अब आपको देखिए यहां पर जिस अकाउंट से आपको पैसे भेजने हैं यहां पे कर दीजिए इस पे, और यहां पर अपना देखिए क्या पिन यहां पर डाल दीजिए। चलिए पिन हम डाल देते हैं। तो पिन हमने डाल दी, उसके बाद हमको देखिए सिंपल यहां पर क्लिक करना है और देखिए हमारे पैसे जो है यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं अब, और देखिए पैसे हमारे यहाँ पर ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इस तरीके से इतना सा प्रोसेस आपको करना है और पैसे आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों अब आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको सुकन्या समृद्धि योजना में ऑनलाइन रुपए यहाँ पर जमा करा आप सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो बहुत ही जल्द इजी टैग विद पंकज में।